तो दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया ये शो आप सभी जानते ही होंगे। इस शो के पहले सीजन में 7 शार्क्स है, यानी इन्वेस्टर्स है। इनमें से एक इन्वेस्टर भारत पे के कोफाउंडर है, जिनका नाम अश्नीर ग्रोवर है। किसी भी डील में इन्वेस्ट करने का उनका अंदाज हमें एक परफेक्ट शार्क का एग्जाम्पल बताता है। लेकिन क्या आपको पता है ये फोटो में दूसरा लड़का कौन है? तो इनका नाम है शाश्वत नकरानी, जो गुजरात से है और अभी सिर्फ 23 साल के। तो ये भी भारत पे के कोफाउंडर है। इन्होंने IIT ड्रॉप आउट करके भारत पे जैसी फिनटेक कंपनी स्टार्ट की। उन्हें हमेशा से ही बिजनेस करना था। तो जब वो IIT के तीसरे साल में थे, तो उन्होंने एक पेमेंट के लेन देन करने वाला, जो मर्चेंट के मार्जिन को बिना खाए, ऐसा ऐप जो मर्चेंट को पैसे लेन देन करने में मदद करे बिना कोई चार्जेस के, यानी नो हिडन चार्जेस। तो ये रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उन्होंने इंटरऑपरेबिलिटी फीचर ऑफ UPI, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज़ किया, जिससे एक मर्चेंट और एक किराना स्टोर का मालिक किसी भी पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और ऐसे 150 से भी ज़्यादा UPI से एक QR कोड से ट्रांजैक्शन कर पाता है, जिसे एक इंटरऑपरेबल QR कहते हैं। तो भारत पे कोई चार्ज नहीं लेता है तो कैसे कमाई करता है? तो उसका कमाई का सोर्स क्या है? तो जब मर्चेंट अपने सभी ट्रांजैक्शन भारत पे से करते हैं, तो उनका पूरा ट्रांजैक्शन डाटा भारत पे के पास चला जाता है और भारत पे उन मर्चेंट्स को उनके ट्रांजैक्शन देख के उसको लोन देता है और कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ से उनकी कमाई होती है, ठीक है। तो ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।